ये हमारी मम्मी है और ये हमारे बड़े मामा है। ये मैं हूँ, आप लोग बताइए मेरी बेटी कैसी लगती है। नमस्ते प्रणाम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज है तारीख 30 जनवरी 2024। दोस्तों आज वाले इस ब्लॉग वीडियो में दोस्तों आप लोग को जब से हम लोग यूट्यूब पर नहीं आए थे उसके पीछे का आप लोगों को मैं बैकग्राउंड दिखाऊंगा और पूरा पीछे का आप लोग को स्टोरी शेयर करूँगा जो भी कुछ है हम लोग का, मतलब जब हम लोग यूट्यूब पर नहीं आए थे तो उस समय का क्या सिचुएशन था आप लोग को इस वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम है मन्नू राजभर और ये मेरी बगल में बैठी है वाइफ, इनका नाम है नीलम राजभर। और दोस्तों हम लोग की पढ़ाई है क्लास 10 तक और इनकी भी पढ़ाई क्लास 10 तक है और हम लोग गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग बिखेर दिए हैं अपने पहले का ये बायोग्राफी, पहले हम लोग का क्या था ये पूरा इसमें आप लोग को वीडियो में दिखाएंगे बारी बारी से। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा बचपन का तस्वीर है और कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इधर दोस्तों देख सकते हैं ये है मेरी वाइफ का तस्वीर जो कि बचपन का, इसको भी बताइएगा ये कैसा है। रुक जाइए। तो इधर दोस्तों देख सकते हैं कि ये हम दोनों लोग का तस्वीर है बचपन का और इधर ये शादी के बाद का तस्वीर है देख सकते हैं। और इधर ये बैठकर मुस्कुरा रही है, कैसा लग रहा है देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, सोच रहे हैं दोस्तों पुरानी यादों को आज हम लोग बिखेर दिए हैं और इसमें पूरा दिखाएंगे आप लोग को वीडियो दोस्तों में। दोस्तों आप लोग बताइएगा, इधर दिखाए फोटो, ये मैं हूँ, आप लोग बताइए मेरी बेटी कैसी लगती है, ऐसी लगती है या ऐसी लगती है? प्रगति कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इधर दोस्तों देख सकते हैं कि ये 2018-18 की यह तस्वीर है, देख सकते हैं उस समय का है ये तस्वीर, देख सकते हैं दोस्तों ये तकरीबन 2020 की तस्वीर है जो कि आज से 3-4 साल पहले की तस्वीर है। दोस्तों देखिए मेरा शादी से पहले का फोटो हो गया और देखिए एक हो गया, इतना सारा फोटो है कि आप लोग को दिखाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा और आप लोगों को कोशिश करेंगे पूरा दिखाने का। और इधर देखिए ये कितना सारा है, ये भी शादी से पहले का है और ये शादी के बाद है जो हम लोग गए थे मंदिर में दर्शन करने। और मेरा ये स्कूल का फोटो बहुत अच्छा लगता है जब सोचते हैं स्कूल के बारे में कि हम लोग भी पढ़ते थे कभी। और बाकी सब मेरी स्कूल की लड़की हैं और उसमें सब लोग हैं। और ये भी देखिए और ये देखिए मेरी दीदी लोग हैं, इधर देखिए पूरी टीम है मेरी दीदी लोग की है, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये तस्वीर देख सकते हैं ये भी पुरानी तस्वीर है और ये दोस्तों शादी के बाद का है जो कि फर्स्ट टाइम हम गए थे मुंबई। और ये दोस्तों है जूहू चपाटी का दृश्य जो कि समंदर का है आप लोग देख सकते हैं। और इधर भी है, इधर देख सकते हैं पूरा हम लोग खड़े हैं पानी में और तस्वीर ये खिंचाए थे वहीं पर। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं कि शादी के बाद गए थे दर्शन करने, तो ये मेरी मम्मी है, ये हम हैं और ये हम। बताइए कमेंट कर कि शादी के बाद का फोटो कैसा लग रहा है और शादी से पहले का कैसा फोटो लग रहा है। और अभी आप लोग को दिखाएंगे जब हम लोग की प्रेम कहानी चालू हुई थी तब का, इसमें है दोस्तों अपना जब प्रेम कहानी चालू हुआ था तब का है इसमें फोटो, आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में दिखाएंगे, आप लोग इंतजार करिएगा क्योंकि इसमें कुछ खास बात है इसलिए नहीं दिखाएंगे आप लोग को, तो आप लोग कमेंट करेंगे तभी दिखाएंगे। देखिए दोस्तों ये कैसे लग रहे हैं, ये कैसी चड्डी पहने ये देखिए क्या कर क्या पहने ये देखिए। और इधर देखिए ये मेरे जीजू जी हैं यानी इनके मामा जी हैं, मामा बहने हैं, ये बहने हैं मामा। इधर दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही पुरानी तस्वीर है, ये हमारी मम्मी है और ये हमारे बड़े मामा हैं और मम्मी की गोद में देखिए हम इधर रो रहे हैं। और ये बहुत पुरानी तस्वीर है, बहुत पुरानी यादगार है दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा ये तस्वीर कैसी है। और दोस्तों आप लोग इधर देख सकते हैं ध्रुव क्लासेस टेक्निकल इंस्टीट्यूट गाजीपुर। दोस्तों जब हम ADAR का कोर्स कर रहे थे जैसे AC बनाना, कूलर बनाना, फ्रिज बनाना, वॉशिंग मशीन बनाना, तब का ये हमारा आई कार्ड है,
आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, क्लास 7 का है, जो कि क्लास 7 में जब हम थे तो उस समय का ये आई कार्ड हमारा है। और दोस्तों ये तस्वीर को देख सकते हैं, इसमें देखिए फर्स्ट पर हम हैं और ये मेरा छोटा भाई और ये एक सिस्टर। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, जो कि सोतोकान कराटे हम जब सीख रहे थे तो उस समय का ये सर्टिफिकेट है। और जब सोतोकान कराटे सीख रहे थे तो उस समय हम चैम्पियनशिप में एक मेडल भी जीते थे, उसको भी आप लोग को इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, आप लोग इस सर्टिफिकेट को देख सकते हैं। एक और सर्टिफिकेट है, बहुत सारे सर्टिफिकेट है जो कि आप लोग को मैं वीडियो में पूरा नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। देखिए ये भी एक सोतोकान कराटे एसोसिएशन का भी ट्रेनिंग कैंप का ये सर्टिफिकेट है, आप लोग देख सकते हैं ट्रेनिंग किए थे उसमें का भी है ये। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर। देखिए दोस्तों ये कराटे चैम्पियनशिप का ये सर्टिफिकेट है और इसके साथ एक मेडल मिला था। देखिए इसमें मेरा नाम दिया गया है मन्नू राजवा गाजीपुर। और इधर कराटे देख सकते हैं। तो दोस्तों यही है हमारा मेडल, जो कि कराटे चैम्पियनशिप में एक प्लेयर को हम हरा कर इस मेडल को हासिल किए थे। वो उस समय का वो दौर था, जब याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक जुनून था कराटे के लिए, कराटे प्लेयर बनने का, लेकिन वो सपना साकार नहीं हो पाया। देख सकते हैं 2016 का ये है मेडल, जो कि हम संभाल कर रखे हैं। जो हमारी पुरानी यादें हैं उस चीज़ को हम बहुत समेट कर रखे हैं। और इसी तरह सरकार नहीं, कहाँ से नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि उस लाइन में काम ही नहीं किए तो होगा कहाँ से। अरे शादी कर लिए तो कहाँ से होगा, शादी करना जरूरी था ना, इसलिए तो नहीं हुआ। शादी नहीं किए होते दोस्तों तो जरूर सरकार हुआ होता। पर फिर भी पैसे के प्रॉब्लम से दोस्तों वो चीज़ नहीं हो पाया। बहुत सारा हमारा ड्रीम था जो कि पैसे की वजह से हमारा सब टूट गया, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। अब तो यूट्यूबर बन गए हैं तो कोशिश करते हैं यूट्यूबर बनने की। इसमें कहाँ पैसा खर्च करना है, इसमें तो सिर्फ मेहनत करना है दोस्तों। तो इसमें हो सकता है कि आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो ज़रूर कामयाब होंगे दोस्तों। सही बात है कि पैसे की वजह से इन्होंने नहीं अपना सपना पूरा कर पाया, क्योंकि ननिहाल में पढ़ते थे ना, इसीलिए अपने घर रहते तो मम्मी पापा से लड़ाई कर पैसा मांग लिया करते। पर वहाँ पर मांगते तो सब लोग पूछते हैं क्या करोगे क्या करोगे, इसीलिए बस हो गया सब सपना चूर चूर और शादी कर लिए। और सिर्फ एक ही ये पाए हैं इनाम, जो कि इसको संभाल कर रखे हैं। हमें तो लगता है कि ये इनका सपना पूरा हो गया होता तो ना जाने कितना ऐसे मेडल पा गए होते। पर आप लोग सपोर्ट करिए कि अब इनका सपना यूट्यूबर बनने का जरूर कामयाब हो। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं कि जब मेरे पतिदेव जी कराटे कर रहे थे तब का ये फोटो निकलवाए हैं, पूरा एकदम बॉक्सिंग कर रहे हैं। देखिए वाह क्या बात है, अलग अलग स्टाइल में। और इधर दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारे सीनियर सर लोग हैं, जो कि नेपाल का ये जो चैम्पियनशिप था उस समय 2017 में तो मेडल हासिल किए थे, तो बहुत ही गर्व की बात थी दोस्तों। और इधर मेरी तस्वीर है जो कि आप लोग देखे ही हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि उस समय का हमारा कैसा दौर था। देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को पूरा दिखाया है कि यूट्यूबर बनने से पहले का ये जो बायोग्राफी था, जो भी था पुरानी यादें, उस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में दिखाए हैं। दोस्तों आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। पहले का जो ड्रीम था वो तो नहीं पूरा हो पाया, लेकिन अब का ड्रीम दोस्तों हम दोनों लोग का ये है कि हम लोग को एक सक्सेस यूट्यूबर बनना है। दोस्तों इसमें पैसे के तो खर्चा नहीं है, सिर्फ मेहनत है और आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर हम लोग का सपोर्ट करेंगे और हम लोग एक सक्सेस यूट्यूबर ज़रूर बनेंगे, ये हम लोग का एक उम्मीद है और उम्मीद के साथ हम लोग दोस्तों काम करते हैं। और दोस्तों हम लोग अपना जो लव स्टोरी का पीछे वाला जो तस्वीर था उस चीज़ को हम नहीं दिखाए हैं, उस चीज़ को दिखाएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।